हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 4 में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। इसमें क्या है, देखिए आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन लिखा हुआ है, तो इसमें हम ईएमएफ इक्वेशन को डराइव करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि टॉर्क इक्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं पहले कुछ टर्म्स की मीनिंग बताना चाहूँगा। सबसे पहले पी, तो पी होता है नंबर ऑफ फील्ड पोल्स, पी होता है नंबर ऑफ फील्ड पोल्स, कितने नंबर ऑफ फील्ड पोल्स हैं। फील्ड पोल्स क्या होते थे, तो फील्ड पोल आपने देखा था जैसे कि रोटर में, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने देख के ही कि जिसमें मैंने रोटर बनाया था, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास रोटर, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ये मेरे पास एक रोटर ये रहा, ठीक है, तो अब ये जैसे मान लीजिए एक रोटर है, तो रोटर में अगेन कुछ नॉर्थ और साउथ के पोल्स होंगे, ठीक है, कुछ कुछ नॉर्थ और साउथ के पोल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक पोल और एक है मेरे पास ये पोल, ठीक है, तो ये मान लीजिए मैंने कहा इसे नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल मिलके अपने फील्ड पोल बना लेते हैं, तो इन्हें फील्ड पोल कहा गया, ठीक है, तो दैट इज़ पी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड पोल। फाई जो है उसे बोला गया फ्लक्स पर पोल इन वेबर, ठीक है, और जेड होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है, आर्मेचर के कितने कंडक्टर हैं, ठीक है, एन हो, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल जब लैब में परफॉर्म करा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो उसमें इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, मतलब जो जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम ही है कि जहाँ पे आप स्टडी करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में, जिसमें आपको पता चला होगा कि जेड क्या होता है, तो उससे आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी, ठीक है, या आप 3D फिगर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो जेड होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, एन होता है स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम राउंड पर मिनट, ठीक है, या रेवोल्यूशंस पर मिनट कह सकते हैं, ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ए होता है कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, फॉर एग्जांपल अगर ये है हमारे पास है, तो ये अगर करंट का पाथ है तो इसको कितने पैरेलल पाथ मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ही पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, तो रेजिस्टेंस को इस तरीके से कितने पाथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके कितने पाथ मिल रहे हैं, वो होता है ए, दैट इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, कि अगर ए इक्वल्स, देखिए लैब टाइप के लिए ए जो है वो पी के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फील्ड पोल्स, एंड ए इक्वल्स टू टू फॉर द वेव टाइप, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल आता है तो बच्चा ये फंस जाता है, इसमें अटक जाता है कि ए को किसके बराबर रखें, पी के बराबर रखें या टू के बराबर रखें, तो ध्यान रखिएगा जब लैब टाइप होगी तब पी रखेंगे ए को पी के बराबर, और जब वेव टाइप होगी ये है फॉर वेव टाइप, तब हमारा ए जो है वो टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेरिवेशन मेन जो है वो डेरिवेशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल फ्लक्स लिंकेज बाय ईच आर्मेचर कंडक्टर, हमारा देखिए टोटल, तो नंबर ऑफ फील्ड पोल्स पी हैं और फ्लक्स हमारा कितना है पर पोल फाई है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज बाय ईच आर्मेचर कंडक्टर इन वन रोटेशन कितना हो जाएगा पी फाई, और टाइम जो एन नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन वन मिनट वो कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, तो अब टाइम ऑफ वन रोटेशन, मतलब कि वन नंबर ऑफ रोटेशन, एक वन नंबर जब उसे वन रोटेशन लेना होगा एन रोटेशन के अलावा, जब हमें उसे वन रोटेशन लेना होगा, तो आप यहाँ पे रोटेशन आर्मेचर इन वन मिनट कर सकते हो, ठीक है, अब आप इसको लिखो, तो टाइम ऑफ, ये पूरा लिख के आइएगा अगर आपको डेरिवेशन आता है, तो टाइम ऑफ वन नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन वन मिनट इज 60/N, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, देखिए वो, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा अक्रॉस वन आर्मेचर कंडक्टर ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज, तो वो हो जाएगा पी फाइव डिवाइडेड बाई 60/N, ठीक है, जो ईएमएफ हमारा एक कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर के अक्रॉस हुआ, तो वो पी फाइव अपॉन में 60/N, इसको सिंप्लीफाई करा तो एन ऊपर चला जाएगा 60 नीचे रह जाएगा, तो पी फाइव एन अपॉन 60 आ गया। आप पेज टर्न करते हैं, और देखिए अगर आपने जैसे इसके नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन अक्सर आता रहता है, ठीक है, एग्जाम में, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी याद रहेगा, बार बार वीडियो पे नहीं आना पड़ेगा, बैक करके आपको अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो हल्का सा बैक करिए, उस चीज़ को समझ लीजिए और नोट्स करते जाइए। अब देखिए हमारा था क्या, लास्ट हमने डाली थी ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस वन आर्मेचर कंडक्टर ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज, तो वो आया था पी फाइव एन अपॉन 60। अब यहाँ है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन पैरेलल पाथ, तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर एक पैरेलल पाथ में कितने होंगे जेड अपॉन में ए इंटू पी फाइव एन, तो बस उसी को मैंने यहाँ पर रिपीट करके लिख दिया कि ईएमएफ, तो ये पूरी एक टर्म हो गई, ये हो गया जेड अपॉन ए, क्योंकि ये तो हमारा आया था किसमें ईएमएफ इंड्यूस एक आर्मेचर कंडक्टर में, तो जब ये था कि वन पैरेलल पाथ में है तो उसके अक्रॉस हमारा ये आ गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट बस रिपीटेड मैंने लिख दिया है कि वो मैं दूसरे पेज पर टर्न कर रहा था इसलिए, ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली उस स्टेप के बाद, लास्ट स्टेप के बाद आप ये वाली हेडिंग उतार लेंगे, ठीक है, ये वाली, ये मेन है, और उसके बाद देखिए ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, पी फाई एन जेड अपॉन 60, पी फाई एन जेड अपॉन 60 है, पी का मतलब आपको पता है, फाई पता है, एन पता है, जेड पता है, 60 अपॉन ए भी पता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ईएमएफ की वैल्यू बताइए, ठीक है, अगर आपको ए पोल टाइप दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ है उस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए आगे आता है टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए टॉर्क कैसे निकालेंगे, अब डीसी मोटर में टॉर्क कैसे निकलता है, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू ओमेगा,
ठीक है, टॉर्क इंटू ओमेगा। एंड इलेक्ट्रिकल पावर होता है ई इंटू आई। ई क्या होता है हमारे यहाँ, ई एम एफ कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, आई हो गया करंट। तो ई एम एफ, अब हमारे दोनों में ये चीज़ें बराबर होती हैं, मतलब मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, तो हमने इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर को इक्वेट कर दिया, टॉर्क आ गया ई इंटू बाय ओमेगा। ओमेगा होता है 2πn, तो उसको हमने पुट कर दिया, ई की वैल्यू पी फाई एन जेड अपॉन 60 पुट करा, आई पुट करा। अब देखिए ये वाला एन और ये अपॉन एन अपॉन 60 होता है स्मॉल एन के बराबर, ठीक है, स्मॉल एन के बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि कैपिटल एन नंबर ऑफ रोटेशन हैं और 60 सेकंड्स में हो रहे हैं, तो इसको हमने स्मॉल एन कर दिया। देखिए ये हमारा जो स्मॉल एन है, मतलब ये जो हमारा एक तरीके से फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जैसे हम फ्रीक्वेंसी लिखते थे 2πf, तो यहाँ पे 2πn होता है, तो ये एन इस वाले स्मॉल एन को काट देगा, ये एन कट गया, तो पी फाई जेड अपॉन में पी फाई जेड आई अपॉन ए 2π हो जाएगा। तो इससे अब हमें क्या पता चला कि टॉर्क जो है वो का टॉर्क का फॉर्मूला आपका यहीं आ गया, ठीक है। ये आपका टॉर्क का फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं बोलूं तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, टॉर्क की इक्वेशन है, ये टॉर्क की कन्फर्म जो इक्वेशन होती वो है, ठीक है, फाइनल इक्वेशन। लेकिन अब मैंने इसका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी लगाया, तो ये दिखा रहा है कि टॉर्क जो है वो, ये तो क्यों हो गया, क्योंकि पी कॉन्स्टेंट रहेगा, जेड अपॉन में ए कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्या है, जेड अपॉन ए क्या था बताइए, तो जेड अपॉन ए, जेड था हमारा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ए था हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो जेड अपॉन ए भी कांस्टेंट हो गया और 2π वो तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो हमारा इसको पूरा मैंने के बोल दिया और ये आ गया फाई आई, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड करंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली भी, डिफाइन द डायरेक्ट द टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, या सेकंड पार्ट में या सेकंडली इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है कि प्रूव द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड आई, या फ्लक्स एंड करंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस के साथ, एप्लीकेशंस में बहुत सारे डिस्कस करी हुई हैं, सबसे पहले है डीसी सीरीज मोटर की। तो डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, तो एक मैंने देखिए जैसे पहले वीडियो में डिस्कस करते रुका हूँ मैं कि डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम कैसा है, तो वो सब मैंने रिपीट नहीं करा है, डायरेक्टली एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए डीसी सीरीज मोटर पे आते हैं, तो इट इज़ यूज्ड वेयर द हाई टॉर्क एट लो स्पीड इज रिक्वायर्ड। तो ये सब तो कंटेंट ये है, बस आपको समझने की भी हल्की जरूरत है इसमें, और बाकी तो बस इसमें आपको याद करने वाला मैटर है ये, ठीक है। और देखिए इसके एप्लीकेशंस हैं, इट इज़ यूज्ड वेयर हाई टॉर्क एट लो स्पीड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये कब यूज़ होती हैं, जब हमें हाई टॉर्क चाहिए होता है, हाई रोटेशनल मोशन चाहिए होता है एट लो स्पीड, लो स्पीड पे, फॉर एग्जांपल क्रेन। अब क्रेन में आप देखिए बहुत टॉर्क नहीं होता, बहुत जल्दी से नहीं घूमती, ठीक है, मतलब स्पीड जो है वो उसकी भी हल्की होती है, लेकिन टॉर्क मतलब अच्छा खासा उसको रोटेटरी मोशन देना पड़ता है एट लो स्पीड, दैट इज क्रेन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट, ट्रोली और एलिवेटर में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आप अपने कॉपी के नोट्स में ऐड कर सकते हैं और एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड वेयर द कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम डीसी शंट मोटर लगाते हैं, जैसे कि लेथ मशीन्स में, मशीन टूल में, ड्रिलिंग मशीन्स में, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप में, ब्लोअर एंड फैंस में, प्रिंटिंग प्रेस में, इस तरीके से और बहुत सारी जगह पे, ठीक है। तो 4-5 के नाम आपको मेंशन करके आने होते हैं और मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं, किस लिए होता है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड वेयर द कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, लाइक लेथ मशीन्स, मशीन टूल, ड्रिलिंग मशीन, इस तरीके से आप सबके नाम लिख के आ सकते हैं। अब देखिए डीसी कंपाउंड मोटर, तो वी कैन डिजाइन बाय कनेक्टिंग द सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, हम इसको डिजाइन कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द सीरीज एंड द पैरेलल वाइंडिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लाइक हाई टॉर्क फॉर द वेरिएबल स्पीड, फॉर रोलिंग मिल्स, पंच मशीन्स, हैवी प्लेनर्स एंड शेयर मशीन, ठीक है। तो ये इसके हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि हाई टॉर्क जब हमें चाहिए होता है फॉर वेरिएबल स्पीड, ठीक है, देन एग्जाम्पल्स आर रोलिंग मिल्स, पंच मशीन, हैवी प्लेनर्स एंड शेयर मशीन, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कहीं ना कहीं मेंशन करके आने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, कहीं डाउट हो तो आप बैक करके पीछे को वीडियो को देख सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है कि नहीं इसके बाद भी क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री टू आस्क, हम कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे आपकी प्रॉब्लम का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।